Hey, welcome back. I am Dharmen sir from DSL Institute, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चे का डिमांड है कि सर हैज हैव पढ़ा दो। जैसे हैज हैव का मतलब क्या होता है, तो हैज हैव का प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हो कि आप हैज, हैव और हैड, इन तीनों का यूज आप एक साथ में देखें, तब समझ में आएगा। जब तीनों का प्रयोग आप एक साथ देखोगे तब अंग्रेजी आप बोल पाओगे, लिख पाओगे, सोच पाओगे। ये तीनों का एक साथ में काम करो। तो तीनों का प्रयोग हम दो तरह से कर सकते हैं, इसको आप जानने का प्रयास करें। एक अकॉर्डिंग टू टेंस, जो कि है टेंस के अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हो, और एक अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में कंपल्सन, एक जब कंपल्सन होगा तब इसका प्रयोग आप कर सकते हो। एक जब टेंस में हो, तो टेंस में हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस या फिर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। यहां पे हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, और यहीं पे हमने कहा कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब हो गया मजबूरी। जब मजबूरी वाला वाक्य हो, जब मजबूरी वाला सेंटेंस हो, तो हम हैज हैव के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मजबूरी में क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड के साथ 2+V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा टेंस। जैसे आपने कहा आई हैव गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर, लता हैज गॉन देयर, लता हैज कम हेयर, तो ये हो गया कौन टेंस, और ये हो गया तुम्हारा मजबूरी। तो हैज, हैव, हैड 2+V1, तो ये 2+V1 जो हो गया ये मजबूरी से करता है। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड इंग्लिश, मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। और आप साफ देख लो, हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, तो आपने क्या कहा हैज हैव टू, तो आई हैव टू गो देयर। लता हैज टू कुक फूड, लता हैज टू प्रिपेयर फूड। अब मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं ताकि आप बेहतर समझ सको। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आपको तो हजारों बोलने हैं ना। मैंने कुछ दिया है, वे लोग पहले ही जा चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी गोन देयर, तुम लोग पहले ही जा चुके हो, यू हैव ऑलरेडी गोन देयर, मैं पहले ही जा चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी गोन देयर। तो वहां देयर अगर दे हटा दिया तो क्या हुआ, दे हैव ऑलरेडी गोन, वहां जा चुके हैं तो दे हैव ऑलरेडी गोन देयर। तो आप देयर तब लगाएं जब वे लोग पहले ही जा चुके हैं, तो वे लोग वहां, तो वे लोग वहां पहले ही जा चुके हैं, तो दे हैव ऑलरेडी गोन देयर, आई हैव ऑलरेडी गोन देयर, है ना, यू हैव ऑलरेडी गोन देयर, लता हैव ऑलरेडी गोन देयर। तो आप एक दिया हूं, आप हजार बनाइए। मैंने कहा मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूं, आई हैव नॉट एवर गोन टू दिल्ली, तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो, यू हैव नॉट एवर गोन टू दिल्ली, मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूं, आई हैव नॉट एवर गोन टू दिल्ली, वे लोग कभी दिल्ली नहीं गए, दे हैव नॉट एवर गोन टू दिल्ली। तो आप सेंटेंस जितना भी हो आप बोलो। ये हुआ हम लोगों का कौन सा, तो टेंस वाला मामला हो गया। अब एक हो गया हैज हैव के साथ पढ़ता है, तो पढ़ता है मतलब क्या, मजबूरी, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड इंग्लिश, तुम्हें पढ़ना पड़ता था, यू हैड टू रीड इंग्लिश, तुम्हें जाना पड़ता था, यू हैड टू गो, तुम्हें पढ़ना पड़ता था, यू हैड टू रीड, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, तो हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते थे, तो हैव टू के साथ क्या कर देंगे, हैड टू, अगर यहां पे थे कर देंगे तो हैड टू, आई हैड टू वॉश माई क्लोथ्स, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, ही हैड टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड इंग्लिश, वे लोग को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, तो दे हैड टू रीड इंग्लिश, मुझे बाजार जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे नहाना पड़ता था, आई हैड टू बाथ, आई हैड टू टेक बाथ, आई हैव टू कुछ भी करो, जितना आज बोलो, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, तो मेरे साथ बोलो फटाफट, मुझे वहां जाना पड़ता है, बोलो आई हैव टू गो देयर, तुम्हें आना पड़ता है, यू हैव टू कम हेयर, तुम्हें वीडियो देखना पड़ता है, यू हैव टू वॉच
वीडियो, तुम्हें खेलना पड़ता है यू हैव टू प्ले, तुम्हें रोना पड़ता है यू हैव टू क्राई, यू हैव टू बीप, तो व्हाट एवर कम्स योर माइंड जितना मर्जी करे बोलो और बेसिक से एडवांस सीखो, जितना मर्जी तेज बोलो, फास्ट मूवर बनो और खूब इंजॉय करो, पढ़ाई करो। और मैं हमेशा आपके लिए काम करता हूं और आपको पढ़ाता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं आप। दिल्ली आना चाहते हैं तो दिल्ली अब दूर नहीं है, जैसे मर्जी हो, बस मेरा इरादा है कि आप पढ़ाई करें, पढ़िए हमेशा। धर्मेंद्र सर आपके साथ है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।